प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। 38 लाख स्टूडेंट्स को टिप्स देंगे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन है। पीएम मोदी बच्चों को परीक्षा से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स देंगे। कार्यक्रम के लिए पिछले साल से दोगुना रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं 15 फरवरी से सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम देखिए, आपके साथ तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। वो कुछ समय कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश की सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटोरी से आए हुए बच्चे आज दूर संचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, मैं सभी को स्वागत करता हूं। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी शिक्षक, सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ना केवल देश को संभाला है, लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे हैं। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो, या देश के नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो, परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमति बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। मित्रों, ना केवल परीक्षा पे चर्चा, उन्होंने समय निकाल के अपने को खुद को विद्यार्थी बनाया, अपने को अभिभावक बनाया, अपने को शिक्षक बनाया। आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की प्रख्यात शिक्षाविद, उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस बार तो उसकी नई संस्करण भी आ गई है और भारत की 13 भाषाओं में यह आज हम लोगों के सामने है। परीक्षा पे चर्चा भी एक नई प्रारूप बन चुका है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के अवसर पे देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उस पर चित्रांकन की एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को बधाई देता हूं एग्जाम वॉरियर के अंदर आपको प्रेरणा लेने के लिए। मित्रों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। भारत के विद्यार्थी ना केवल भारत की विषयों के बारे में चिंता करें, लाइव जैसे जन आंदोलन को विश्व में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, पर्यावरण, विश्व की अर्थनीति, विश्व में टेक्नोलॉजी, ये भारत की बच्चों के द्वारा निर्मित होकर दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा एनईपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, एनईपी, ये एक सिक्के की अनेक पहलू है। मैं ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में कुछ समय प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, देश की बच्चों के साथ खुद कुछ समय बिताएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर
फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले, फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं उन्होंने गए थे कर्तव्य पथ पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक, आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे। कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्कार। माय नेम इज अश्विनी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केंद्र विद्यालय नंबर 2 मदुरई, तमिलनाडु। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, हाउ डू आई डील विद माय फैमिली डिसअपॉइंटमेंट इफ माय रिजल्ट्स आर नॉट गुड? What if I don't get the marks I'm expecting?
Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who is giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir.